अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं खुर्रम व्लॉग्स ऑफिशियल। आज का प्रोग्राम बना है हमारा हेड मराला जाने का, समंदर में जाने का, यानी सियालकोट पंजाब के हम समंदर में जा रहे हैं पानी देखने के लिए, जहाँ पे इंडिया ने पानी छोड़ा हुआ था, इंडिया से पानी आ रहा होता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे समंदर है। तो आज का हमारा प्रोग्राम हेड मराला जाने का, पिकनिक वहीं हम लोग मनाने वाले हैं। सब रेडी हैं, तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ रंगपुरे से। गर्मी जो आज आपके सामने है, सूरज बड़े आबोताब के साथ निकला हुआ है, 44 टेम्परेचर है, लेट हो गया। रास्ते से लेते हैं फ्रूट्स वगैरह और निकलते हैं हेड मराला के लिए। रास्ते में हेड मराला जाते हुए हमारे को घेर लिया है चारों तरफ से गांव ने, काउस काउस काउस, ऑस्ट्रेलियन काउस और लोकल काउस हैं। बस अल्लाह करे हमारी गाड़ी भी टच नहीं करते ये। हमजा हमें सेफ करो, उतर गए। टेंशन कैसे नहीं लूँ, ये जानने वाली है ये जानने वाली है। क्या बात है भाई, पूरे रोड पे कब्जा किया है, हॉर्न भी नहीं बजा सकते। अगर मैंने हॉर्न बजाया ना तो ये भिदक जाएंगी। क्या बात है, हेड मराला हम लोग जा रहे हैं और किसी गांव से हम लोग गुजर रहे हैं, जो चारों तरफ खेत ही खेत, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ये देखें, देख रहे हो, बड़ी मुश्किल से निकले हैं हम लोग भाई, बहुत मुश्किल से निकले हैं, लेकिन रास्ता अल्लाह का शुक्र है कि रोड काफी अच्छा बना दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मोटरवे का रोड है, सिंगल ट्रैक है, सिंगल ट्रैक और दोनों तरफ खेत ही खेत है। बेचारी जमीन भी वेट कर रही है कि कब बारिशें शुरू हो और कब मूंजी लगे। पूरा सियालकोट जो है ना, एक महीना लेट है, वरना मोस्टली जगहों के ऊपर जो है ना मूंजी लग चुकी है, सिवाय सियालकोट के। बारिशें नहीं हो जाएंगी, बारिशें नेक्स्ट वीक से बारिशें ही बारिशें इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है, रास्ता बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी नारायण गगान वाली साइड पर जा रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। यहाँ ग्रीनरी है, सब्जादार कोई गांव स्टार्ट होने लगा है यहाँ से। अख्तर भाई कौन सा गांव आ गया है? ये खरोटा। खरोटा, खरोटा, व्हाट्स द मीन ऑफ खरोटा? खोटे 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 लोग हैं यहाँ पे हैं, खरोटा सईदा। गुड, चलो कोई तो मुसलमानों वाला नाम मिले, वरना यहाँ पे तो हमारे गुन्ना खन्ना सारे हिंदुओं वाले नाम ही है। वखरी दुनिया भाई, कोटली लोहारा हम लोग हैं, रास्ते पिंड आता है वखरी दुनिया। हैरान हो गया था मैं, वक्री दुनिया, क्या बात है। ये देखे भाई सामने से आ रहा है, गाड़ी वगैरह भी आ रही है, ट्रॉली वगैरह भी यहीं पर चल रही है। ये बना हुआ है, अच्छा रोड बनाया हुआ ये भी इन्होंने, ये मुझे लग रहा है रिसेंटली बना है, पहले ये रोड नहीं बना हुआ था इस तरह का। हाँ जी, टफ टाइल वाला ही है, गाड़ी की साउंड ही बिल्कुल चेंज हो गई है भाई। फाइनली हम लोग हेड मराला करीब करीब पहुँच चुके हैं और मेरे साथ चलने लग गई है अब नहर। देख रहे हैं अख्तर भाई जी, नहर चल रही है साथ साथ और रोड के ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जंगल की तरफ आ गए हैं, इस तरफ भी कोई आबादी नहीं है और इस तरफ चल रही है साथ में हमारे नहर। रोड तो अच्छे बन गए, पहले ये रोड बना हुआ नहीं था, याद है एक दफ़ा आए थे हम लोग, ये रोड बिल्कुल ही बना हुआ नहीं था। ये है कि व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन दरख्त काफ़ी बड़े हो गए हैं जिसकी वजह से नहर नज़र नहीं आ रही। ये है कि भाई नहर बिल्कुल फुल 100% फुल है, इंडिया ने पानी इसका मतलब बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ है। इंडिया की तरफ बारिशें वगैरह ज़्यादा हुई हैं, हमारे यहाँ बारिशें भी स्टार्ट होनी है इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे सैलाब नहीं आए, बाकी खैर है। ब्यूटीफुल व्यू, मुझे लग रहा है कि अख्तर भाई डर गए हैं, गाड़ी थोड़ी सी आगे भी है, थोड़ी सी झूली है, वो समझ रहे हैं गाड़ी लग नहीं गया, तो उन्होंने सीट चेंज कर ली अख्तर भाई ने। हमजा ज्वाइन कर लिया हमारे हमजा ने, हमजा ये आप मोबाइल आप होल्ड करें और आपकी तरफ आ रही ये नहर वो दिखाएं जरा हमारे व्यूअर्स को। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है ना। हाँ नहाने? नहीं नहीं मैं डूब जाऊंगा। नहीं क्यों डूब जाओगे, आपको लाइफ जैकेट देते हैं। नहीं नहीं कूदे, नहीं नहीं यहाँ से जाए वहाँ से निकले, मजा आ जाएगा। एंट्री यहाँ से और एग्जिट जन्नत में होगा। क्या बात है, नहीं जिसको स्विमिंग आई वही जाएगा ना यार। तो वही तो जिसको तैरना आता है वही डूबता है, भी याद रखना आपने, जिसको तैरना आता है वही डूबता है, बगैर तैरने वाला कभी भी अंदर नहीं जाएगा। ये भी है लेकिन चला गया तो वो भी डूबेगा डूबेगा। हेड मराला पहुंच चुके हैं, ये छोटा सा गाँव है, उसका ब्रिज है और ये उसका छोटा सा बाजार है हेड मराला का, जहाँ पे खाने पीने की चीजें फ्रूट्स वगैरह सब यहाँ मिल रहे हैं हमारे को। स्ट्रेट निकले हम लोग यहाँ से, यहाँ से देखें हमारे को पापा फिश कॉर्नर, पापा फिश कॉर्नर से हमें मछली वगैरह मिल सकती है, लेकिन इतनी गर्मी में मछली खाएगा कौन। ये देखें भाई व्यू देखें आप, माशाल्लाह ये व्यू देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, पिकनिक करने ही तो आते हैं लोग। देखो फैमिलीज की फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं सिर्फ पिकनिक करने के लिए।
वाह बिल्कुल जैसे नहीं मूवीज के अंदर होता मछली चला रहे हैं तो नीचे से मगरमच्छ खा जाता है ऐसे। अच्छा मगरमच्छ आ गया, क्रोकोडाइल यहाँ कहाँ से आ गए? वैसे इसमें क्रोकोडाइल हो सकते हैं, ये मीठे पानी की नहर है ना। ये देखिए आप इस तरह भी आ रही है। ये देखिए ये छप्पड़ है, ये नाला है, छप्पड़ नहीं है। जब ओवरफ्लो होता है, जब सैलाब आता है तो इसमें पानी आ जाता है। अच्छा इसके अंदर ही फिश बहुत ज़्यादा होती है, हमने यहाँ से ही पकड़ी हुई है अभी तक तो। ये अब तो छाए हुए हर जगह। ये अब आ गया हेड मराला, ये मेन जगह, ये है मेन पॉइंट हेड मराला का। ये देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने ये पानी सारा रोका हुआ, देख रहे हैं ये यहाँ, ये देखें, ये देख रहे हो, ये देखें, ये यहाँ पे ये इन्होंने पानी सारा रोका हुआ है सारा। जितना ये पानी इंडिया से आ रहा है ना, हमारे जो लेफ्ट के ऊपर ये पाकिस्तान का एरिया है, जो राइट साइड के ऊपर जब हम लोग जाएंगे पुल के तो उस तरफ जो है सारा इंडिया से पानी आ रहा है। इतने प्रेशर से पानी आ रहा है, रोका हुआ है ना इन्होंने पानी सारा, बस वो जरा जरा जगह से निकल है ना इसलिए जरा प्रेशर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए भाई, ये हम आगे स्टेट ऊपर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ से आगे से जाके अगर हम लोग राइट टर्न लेंगे तो सीधा चले जाएंगे गुजरात वाली साइड पे। हम लोगों ने यहाँ पे आए हैं पिकनिक मनाने के लिए, हम लोग यहाँ से जाएंगे पहले लेफ्ट पे, पहले हम लोग जाते हैं ऐसा करते हैं, पहले हम जाते हैं राइट। चले राइट चलते हैं पहले। हाँ भाई जनाब, वो पुल आ गया जिसका मैंने जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था आपने? जिस पुल का, जिस पुल का आपने जिक्र किया था वो ये देखे भाई आपके लेफ्ट के ऊपर। देखें ये लेफ्ट के ऊपर हम लोग, क्या ही बात है क्या जा रहा है। और ये राइट के ऊपर मेरे यहाँ से देखें, ये जितना ये पानी सारा वो आपको दूर दूर नजर आ रहा है, ये सारा इंडिया से आ रहा है। हाँ ये सब पानी इंडिया से आ रहा है, रोका हुआ है। लग रहा था ये पानी बहुत ज़्यादा होगा लेकिन पानी थोड़ा कम है, नहरें फुल खोली हुई है। ये मशीनरी देख रहे हैं आप, ये लगी हुई मशीनरी, ये जितनी मशीनरी लगी ये पानी नीचे रोका हुआ है इन्होंने। ये नीचे गेट्स हैं, ये चलाएंगे गेट्स खुलने का सारा पानी निकल जाता है। तो देखो लेवल के लिए, मेजरमेंट के लिए निशान भी लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, निशान वगैरह दिए हैं इन्होंने। ये देखें कितने ज़्यादा गेट हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5-2 किलोमीटर के ऊपर ये होगा बोलना। हाँ इतना तो है। फाइनली हेड मराला पे हम लोग पहुँच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग दूसरे स्पॉट्स के ऊपर आए हैं। इस स्पॉट के ऊपर जो है थोड़ा सा खतरा भी है और पब्लिक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। ये देखें फैमिलीज की फैमिलीज यहाँ पे आगे बैठी हुई हैं और मुझे लग रहा है यहाँ पे पानी वगैरह थोड़ा घेरा ही होगा। वो देख रहे हो उतरते के साथ ही 2-2 फुट 3-3 फुट पानी में चले गए ये लोग। ये देखिए है ना, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है जैसे हम लोग समुंदर पे आ गए हैं। ये देखिए खेल रहे हैं लगे बच्चे, डूब छूब नहीं जाए ये खतरा होता है यहाँ पे। ये देखें भाई फैमिलीज की फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं, ब्यूटीफुल खूबसूरत व्यू आ रहा है और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर पे आ गए हैं, समंदर वाली हवा चल रही है, लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सब बैठ जाए, सब बैठ जाए भाई, नेक्स्ट स्पॉट हम लोग जा रहे हैं। इस स्पॉट में हमारे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, पब्लिक यहाँ पे कम है लेकिन वहाँ पे मुझे लग रहा है कि पब्लिक ज़्यादा होगी, तो वहीं निकलते हैं हम लोग स्ट्रेट। चलें जनाब ये कहाँ आ गए हम? ये हम दूसरे स्पॉट के ऊपर आ गए हैं और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे कार और मोटरसाइकिल की पार्किंग वगैरह भी है। कार की पार्किंग 80 रुपये और फी पर्सन भी 80 रुपये, यानी हमारे लगने वाले 500 रुपीज़। तो हम यहाँ पे देते हैं अपनी, करते हैं एंट्री। सर ये 154 साल पुराना दरख्त है, मैं इसकी अच्छा क्या बात है, पाकिस्तान बनने से ये पाकिस्तान का सोचा भी नहीं उससे पहले गया, उससे पहले गया। चल वेरी गुड, गाड़ी आगे जा सकती है, हम भी गाड़ी आगे लेके चलते हैं। चले, 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 चले। चिंचिया वगैरह जा रही है, हम भी जाएंगे ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलो जी चलो। ये तो क्या बात है, हमजा खुश हो गए, हॉक्स में बना हुआ यहाँ पर, हॉक्स में ही बना हुआ भाई। 4 फुट का पानी, 5 फुट पानी है, 3 फुट जहाँ पे समंदर होता है। यार ये जो पहने हुए यही है, गाड़ियाँ लेके तो वो गए हुए लोग नीचे तक गए हुए। क्या बात है भाई, चले चले। अच्छा कूठे बंधे हुए, कूठे बहुत दूर बंधे हुए, हम लोग रोड के ऊपर हैं, वो है साइड पे। खतरनाक रास्ता है यहाँ से नहीं जाना, खतरनाक रास्ता है, डेंजरस पॉइंट से हम लोग जा रहे हैं। डेंजरस जोन है ये, कोई बात नहीं, इट्स ओके, उड़ा दे फेंक दे, नहीं नहीं फेंकना यूं है, ये हम निकल गए बस, थोड़ा सा डेंजरस था ये, आगे जाके हम गाड़ी अपनी पार्क करेंगे। ओके ओके, ये देखे भाई ये है ना पॉइंट, उस पॉइंट से ये पॉइंट कितना अच्छा है, वाह भाई वाह, पब्लिक भी है, शाबाश शाबाश, सही जगह पे आ गए हम लोग ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एंजॉय, पकौड़े शकौड़े भी यही मिल रहे हैं आपको, बस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ दिखने नहीं है हमारे को,
ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मिलेंगी। ये देखें अर्तगुल गाजी यहाँ पे देखें क्या करवा रहे हैं, लोगों को शेयर करवा रहे हैं। अर्तगुल गाजी लोगों को शेयर करवा रहे हैं, माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे हम करते हैं अपनी गाड़ी की पार्किंग और फिर यहीं से हम करेंगे वापसी। ठीक है जी, पार्किंग हो गई है हमारी। फाइनली हम लोग एडवाना पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, पब्लिक ही बहुत ज़्यादा आई हुई जैसे हमारे सीवी पे होती है। और ये देखें घोड़े वगैरह के ऊपर बच्चे वगैरह इन्जॉय करते हुए। अब क्या हुआ, अब क्या लेना है? ये बोतल लो खाली है। वो रहन दे पानी की बोतल, क्या करनी है, यहीं से भर लेना, यहीं से धुल जाएगा सब कुछ। चलो निकाल लो बोतल, निकालो, रुको मैं निकाल देता हूँ आपको बोतल। गंदगी यहाँ पे वैसे ही है जैसे कराची में लोग हैं, वैसे पंजाब के लोग भी हैं, गंदगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लोग इन्जॉय करते हुए, ये देखें क्रिकेट वगैरह भी यहीं पर हो रहा है, मैच वगैरह भी यहीं खेले जाएंगे, गाड़ियाँ लेके लोग आगे में और बोट्स चल रही है। ये देखें भाई क्या बात है, इन्जॉय करते हुए इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेठ हम लोग शुक्र है गाड़ी यहाँ पे लेके नहीं आए हैं, वरना ऐसा नहीं गाड़ी के टायर वगैरह अंदर चले, गाड़ी निकालने का बड़ा इशू हो जाता है। बोट में बैठने बैठते आराम से बैठते हैं। चले चले चले, लोग पिकनिक यहीं मना रहे हैं, यहीं गन वगैरह कर रहे हैं, सारा गाड़ियाँ लेके बिल्कुल करीब पहुँचे हुए हैं लोग। पब्लिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सब इंजॉय करते हुए माशाल्लाह से सब इंजॉय कर रहे हैं। ढोल वगैरह वाले भी यहीं पहुँचे हुए हैं और हम लोगों ने ये क्रॉस करना है, ये रिवर हम लोगों ने क्रॉस करना है भाई। ओए होए होए, ये रिवर हम लोग क्रॉस करते हैं भाई। हमजा सेठ सायमा और ये सब जो देखे भाई करने लगे हैं क्रॉस रिवर, आराम से आराम से आराम से क्रॉस करें रिवर। पर रिवर क्रॉस हो रहा है, हैड मराला का यहाँ से पानी गुजर रहा है, यहाँ से ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं और यहीं से मोटरसाइकिल लेके भी यहीं से जा रहे हैं ये लोग। चलते रहे चलते रहे। ये देखें भाई क्या बात है, लोग इन्जॉय करते हुए राइड भी हो रही है, बाइक भी लेके जा रहे हैं और हमने भी वहीं क्रॉस करके उसी तरफ जाना है। और ये देखो भाई बोट चल रही है माशाल्लाह से, स्पीड और स्पीड बोट, वाह। लोग जो है भाई काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, सबसे मशहूर पॉइंट है यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए क्योंकि सबसे फेमस पॉइंट है सियालकोट का ये हेड मगवाला। वाह मज़ा आ गया यार, हम लोग यहाँ से खानपुर गए थे, खानपुर में भी सेम यही है, इसी तरह बोट्स वगैरह चल रही थी और मुझे भी अब ये रिवर क्रॉस करना है, मैं भी ये रिवर क्रॉस करता हूँ भाई, मैं भी जो है क्रॉस कर रहा हूँ रिवर। रिवर क्रॉस करने का मज़ा ही कुछ और है यार, क्या बात है। ये देखिए भाई टांगे हमारी डूब चुकी हैं पूरी पूरी, पूरी टांगे डूबी हुई हैं हमारी। होए 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 होए, इतने मज़ा आ गया यार, वाओ। और ये जो है यार क्रॉस करने लगे हैं, देखते हैं कैसे क्रॉस करते हैं। ये टायर देखिए आधा टायर अंदर चला गया है भाई, निकालो, चलाओ चलाओ चलाओ, ये और ये निकल ही गई, निकल गया भाई निकल गई। और ये देखें मरासी यहाँ पे आए हुए, गाने सुना रहे हैं इनको, एंजॉय। वहाँ जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हो यार आप लोग, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चिल ठंडी हवा है, सबसे ज़्यादा बढ़ गया ये है कि चिल ठंडा पानी है, बर्फ़ की तरह ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीज़र से पानी आए हो या मरी की आबशार से बर्फ़ का जो पानी होता है उस तरह ठंडा चिल पानी है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, ये कश्ती भी खड़ी हुई है तो सिद्धा लोगों को, सिद्ध और सामा लोगों को इसके अंदर जो है सैर भी करवाते हैं, घुमाते फिराते भी हैं, फैमिलीज की फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं। और ये देखें भाई दूसरी तरफ बंद, यानी बैंक कहते हैं इसको, बंद कहते हैं, हेड मिराला की बैक साइड के दूसरा बंद है और सनसेट भी यहीं पर होगा इंशाल्लाह। अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा है, 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा है और काफ़ी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है, काफ़ी पब्लिक आई हुई है, इन्जॉय करें इन्जॉय करें। ये देखें भाई नहा रहे हैं यहाँ पर, 4-4 फुट 5-5 फुट पानी के अंदर ये नहा रहे हैं यहाँ पे, बस डूब नहीं जाना, बाकी खैर है डूबना नहीं। ये देखो स्पीड बोट भी यहीं पर आ गई है और ये गुजर गई स्पीड बोट, आप लोग यहीं पर चले जाओ नहाने के लिए, ट्यूब्स लेके नहा रहे हैं, डूब नहीं जाना, तैरना आता है तो ठीक है वरना डूबना नहीं। ये देखो अल्लाह खैर करे, ट्यूब्स लिया हुआ है और यहीं पर नहा रहे हैं और कुछ लोग ये नहा रहे हैं यहाँ पे। और अख्तर भाई और हमदा मुझे लग रहा है कि आम वगैरह ठंडे कर रहे हैं भाई, आम को यहीं छोड़ दो ना शॉपर के अंदर ही, पत्ता मतलब डालो यहीं छोड़ दो नहीं शॉपर कहीं नहीं जाता। अरे नहीं हमें चाहिए था, वो रसी लेके आना। जी 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 जी, ये देखें क्या ब्यूटीफुल व्यू है, सनसेट के साथ साथ लोग इंजॉय करते हुए, क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हमजा नहाने नहा लो, कपड़े लेके आना चाहिए था, स्विमिंग पूल ही बना हुआ था यहाँ पे, नहाने का अलग ही मज़ा आना था, लेकिन हम लोग कपड़े लेके नहीं आए यार, गलती हो गई, बहुत बढ़िया ना।
नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएंगे, एक दो दिन के बाद फिर आ जाएंगे यहाँ पे, कपड़े लेके आएंगे। कौन सा दूर है, फिर दोबारा आ जाएंगे। ये देखो एंजॉय कर रहे हैं लोग, यहीं पे नहा रहे हैं। हाँ क्या हुआ, छुरी छुरी। और ये देखें, ये इंडिया वाली साइड से सारा पानी आ रहा है और यहाँ पे आके देखो उस तरफ से जाकर डाइवर्ट हो जाता है। एक नहर का पानी उस तरफ निकलता है, दूसरी नहर का पानी इस तरफ निकलता है। और ये देखें हम लोग इस बंद के ऊपर बैठे हैं, ये पिकनिक पॉइंट बहुत अच्छा है। लोग यहाँ पे अपना बारबेक्यू भी यहीं पे कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। और ये लोग, ये लड़के यहीं पे नहा रहे हैं, बस डूब नहीं जाना बाकी खैर। ये देखिए नहाते हुए, ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे भी आ गए नहाने के लिए, स्विमिंग कर रहे हैं। ये दो फुट पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, वो देखें मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं। करें पैंट ऊपर, हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे। पैंट ऊपर कर लेना आज, मैं करता हूँ। ठंडा पानी है, मजा आ गया कसम खुदा की। यहाँ पे समंदर का पानी ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत चिल ठंडा पानी है। काफी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फोन भी हमारा ठंडा हो गया होगा। लहर समंदर में नहीं, मौज दरिया में नहीं। बिल्कुल कराची में स्मेल है, ये बात है। कराची के समंदर में स्मेल है, यहाँ पे नहीं है। हाँ वो इतना नहीं, कोई स्मेल कहाँ, स्मेल कोई स्मेल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है मीठा पानी है, वो है खारा पानी समंदर का। ये मीठा चिल पानी और आ भी जो है ऊपर से रहा है पानी, इंडिया वाली साइड से ठंडा चिल पानी आ रहा है। एक टाइम तो वहाँ से भैंसे भी आती थी, दवाने भी आते थे, हम खाते थे। अब तो कुछ भी नहीं आ रहा। आम काटे और आम खिलाए हमारे को यार, हमजा अकेले अकेले शुरू हो गया। आम काटो यार, मुझे भी नहीं सुना। ये देखें सुलानी मारी, अकेले शुरू हो गया भाई, क्या बात है। या शेख अपनी अपनी देख है, शेख साहब आप ही शुरू हो गए ना। चलो काटो, ये भाई शुरू हो गया आम काटना। जल्दी काटे, सब वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। अभी कट जाएगा, अभी आप लोग आम मिल जाएंगे, घबराए नहीं आपको। सनसेट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कैमल की राइड कर रहे हैं, घोड़ों की राइड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कराची में ही घूम रहे हैं। बट ये हम लोग पहुँचे हुए हैड बराला सियालकोट में। लोग यहाँ पे जोक दर जोक आ रहे हैं, गर्मी भी काफ़ी थी आज और लोग यहाँ पे आए हुए हैं इन्जॉय करने के लिए। काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। ब्यूटीफुल इंडिया, क्या बात है। काटने वाले हैं आम, काटने वाले हैं, ये देखें क्या बात, माशाल्लाह क्या बात है भाई, क्या बात है, ये बात है। प्रोफेशनल ही होते हैं। बच्चे मुझे लग रहा है पागल हुए हैं, एक दूसरे मट्टी डाल रहे हैं। ये देखो छोटा सा बच्चा ही बीच में आ गया है, वो देखो मट्टी डाल के उसको बेचारे का दफना दिया। मैंगो इज रेडी भाई, क्या बात है, मेरे लिए आम तैयार हो गए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, क्या बात है भाई, क्या बात है। लें सीट पहले आप खाएं, क्या बात है। हाँ है ना, कराची वाले चुन के निकाले मैंने सिंदड़ी आम, कराची वाले। मैंने कहा ये देखे भाई, उन्होंने बच्चों ने कपड़े बना दिए यहाँ पे। ये देखिए ये बच्चों ने बेचारे को दफना ही दिया है। ये बाहर की वीडियोस देख देख के इन लोगों ने सब किया हुआ है और बिल्कुल सही इन्होंने इसको दफना दिया है, सिर्फ हेड उसका बाहर है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बच्चों की इंजॉय कर रहे हैं सब और हम भी इंजॉय करते हैं और खाते हैं मैंगो। यहाँ पर गाड़ी लाने का किनारे के ऊपर ये अंजाम होता है, गाड़ी फंस गई हुई है और बहुत सारे लोग उनकी मदद के लिए आ गए हैं धक्का देने के लिए। मेन चीज़ है कि 660 सीसी गाड़ी है, इंजन में जान ही नहीं है, टायर इनके फिनिश ख़त्म है, घूम रहे नहीं हैं। अब बंदों को ढूंढेंगे कि जो बंदे आए और इनकी हेल्प करें आके और गाड़ी को निकालें। और ये गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है इस टाइम पर, क्योंकि गाड़ी के टायर मट्टी के अंदर चले गए हैं और ये बिल्कुल डेजर्ट टाइप का है, आप देखें तो बिल्कुल डेजर्ट टाइप का है, मट्टी है सारी की सारी। अख्तर भाई मशवरे देते हुए ये देखें, ये बस जान दो, क्या बात है भाई, क्या बात है। दुबई वाले बंदे काम आ गए हैं, क्या बात है अख्तर भाई आपकी, क्या बात है। दुबई वाले टिप्स ही आई हैं,
जैसे वो डेजर्ट में गाड़ियां नहीं फंस जाती, सेम वही तरीका किया आपने। वो पिछले टायर घूमते नहीं है ना। हाँ बिल्कुल 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 भाई, फिर फंस गई गाड़ी उनकी। वो देखे भाई, चलो कोई नहीं, वो यही होगा कि भाई चार पांच बंदे बिठा के धक्के मारेंगे, ये क्लियर निकल जाएगी गाड़ी। अब थोड़ा ही रह गया, ज़्यादा नहीं है, पर गाड़ी निकल जाएगी इंशाल्लाह। सनसेट भी हो रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, क्या बात है, ब्यूटीफुल व्यू। हमजा तमाशा वाला सांप वाला भी आ गया, अगर आपने गले में डालना है सांप तो बताएं, डाल लो यार। आया हुआ ये देखें भाई, कौन सा सांप है भाई ये? पाइथन है। पाइथन है जी। तो जहर निकाला हुआ है इसका? जी, इसमें जहर नहीं होता। इसमें जहर होता ही नहीं है, अच्छा सीधा जो काटेगा जो आगे आगे दांत में निकाल दिए। ये निकलता है अभी, बच्चे हैं। अच्छा छोटा ही है अभी। सही 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 सही, कितना बड़ा हो जाता है ये? तो बड़ा 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 ये कितना बड़ा हो जाएगा, 10-15 फुट होगा ये? नहीं अभी तो मेरे ख्याल से 6 फुट है। अभी 6 फुट है, यानी इसका साइज 15-20 फुट तक जाता है जी। सही सही सही, ये यहीं से पकड़ा हुआ है, कहाँ से लाए हुए हो? नहीं, आज़ाद कश्मीर से लेके। आज़ाद कश्मीर से लाए हुए। सही। हमजा भाई ये गले में डाले ना? हमजा भाई नहीं यार, क्या हो गया? आपने डालना है, आपने डालना है अख्तर भाई? हमजा डाल रहे हैं भाई, हमजा ये गले में पंप डाला जा रहा है, ये देखे। ओए होए होए होए, फोटो खींच रहा है, क्या बात है, हमजा इज हियर। पाइथन पकड़ लिया भाई, क्या बात है हमजा। हमजा डर तो नहीं लग रहा? नहीं, ये नीचे से टांगे कांप रही हो तुम्हारी? नीचे से टांगे तो नहीं कांप रही? नहीं नहीं, मजा आ रहा है? नहीं नहीं, क्या बात है। नहीं नहीं, हां हां, नहीं नहीं, क्या बात है भाई, क्या बात है। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, क्या बात है। मेरे दोस्त ये वापस मुंह मोड़ के मुझे तो नहीं देखेगा? नहीं, तुझे नहीं देखेगा, हमें देख रहा है। ये देखो वीडियो मेरी, कौन बना रहा है ये देखे ना, बिल्कुल करीब से भाई। इसको ज़्यादा दबाना नहीं, आराम से पकड़ना है, आराम से पकड़ा मैंने। हाँ, इसको दबाना नहीं, ऐसा नहीं वो घूम जाए फिर वो हिल रहे। गर्मी है, गर्मी है, गर्मी। ये अंदर छुपे हुए होते हैं ना, लेके इधर ही लेके आ जा। ये देखें, ये देखें, देखें देखें, ये देखें। चल भाई, चल 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 चल, आ जा आ जा आ जा आ जा भाई। सनसेट वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े का आ रहा है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे को हेड मराला लेके आए, पानी दिखाया, घुमाया फिराया, कश्ती में बिठाया, आम शाम खिलाया, आलू शाड़ू खिलाया आपने हमारे को, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। स्टे ट्यून्ड, टिल देन अल्लाह हाफिज़। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।